ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर सद्गुरु साईनाथ महाराज आपकी जय हो। हे गुरुदेव साईं, आज श्री साईं सचरित्र का अध्याय 6। आइए इसमें क्या क्या है इस अध्याय में पहले जानते हैं। रामनवमी उत्सव, मस्जिद का जीर्णोद्वार, गुरु के कर स्पर्श की महिमा, चंदन समारोह, उर्स और रामनवमी का समन्वय, मस्जिद का जीर्णोद्वार। आइए अब पढ़ते हैं गुरु के कर स्पर्श के गुण। जब सदगुरु ही नाव के खेवैया हैं तो वे निश्चय ही कुशलता तथा सरलता पूर्वक इस भवसागर के पार उतार देंगे। सदगुरु शब्द का उच्चारण करते ही मुझे श्री साईं की स्मृति आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे स्वयं मेरे सामने खड़े हैं और मेरे मस्तक पर उदी लगा रहे हैं। देखो देखो, वे अब अपना वरद हस्त उठाकर मेरे मस्तक पर रख रहे हैं। अब मेरा हृदय आनंद से भर गया है, मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। सदगुरु के कर स्पर्श की शक्ति महान आश्चर्यजनक है। लिंग सूक्ष्म शरीर जो संसार को भस्म करने वाली अग्नि से भी नष्ट नहीं होता है, वह गुरु के कर स्पर्श से पल भर में ही नष्ट हो जाता है। अनेक जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक और ईश्वरीय प्रसंगों में पूर्ण अरुचि है, उनके भी मन स्थिर हो जाते हैं। श्री साईं बाबा के मनोहर रूप के दर्शन कर कंठ प्रफुल्लता से रूंध जाता है, आँखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है और जब हृदय भावों से भर जाता है तब सोहम भाव की जागृति होकर आत्मानुभव के आनंद का आभास होने लगता है। मैं और तू का भेद द्वैत भाव नष्ट हो जाता है और तत्क्षण ही ब्रह्म के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। जब मैं धार्मिक ग्रंथ का पठन करता हूँ तो क्षण क्षण में सद्गुरु की स्मृति हो आती है। बाबा राम या कृष्ण का रूप धारण कर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और स्वयं अपनी जीवन कथा मुझे सुनाने लगते हैं। अर्थात जब मैं भागवत का श्रवण करता हूँ तब बाबा श्री कृष्ण का स्वरूप धारण कर लेते हैं और तब मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वे ही भागवत या भक्तों के कल्याणार्थ उद्धव गीता सुना रहे हैं। जब कभी भी मैं किसी से वार्तालाप किया करता हूँ तो मैं बाबा की कथाओं को ध्यान में लाता हूँ जिससे उनका उपयुक्त अर्थ समझाने में सफल हो सकूँ। तब एक शब्द या वाक्य की रचना भी नहीं कर पाता हूँ, परंतु जब वे स्वयं कृपा कर मुझसे लिखवाने लगते हैं तब फिर उसका कोई अंत नहीं होता। जब भक्तों में अहंकार की वृद्धि होने लगती है तो वे शक्ति प्रदान कर उसे अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति करा देते हैं तथा उसे संतुष्ट कर अक्षय सुख का अधिकारी बना देते हैं। जो बाबा को नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण जाता है उसे फिर कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर के पास पहुँचने के 4 मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इन सब में भक्ति मार्ग अधिक कंटकाकीर्ण गड्ढों और खाइयों से परिपूर्ण है, परंतु यदि सद्गुरु पर विश्वास कर गड्ढों और खाइयों से बचते और पदानुक्रमण करते हुए सीधे अग्रसर होते जाओगे तो तुम अपने ध्येय अर्थात ईश्वर तक आसानी से पहुंच जाओगे। श्री साईं बाबा ने निश्चयात्मक स्वर में कहा है कि स्वयं ब्रह्म और उनकी विश्व को उत्पत्ति, रक्षण और लय करने आदि की भिन्न भिन्न शक्तियों के पृथकत्व में भी एकत्व है। इसे ही ग्रंथकारों ने दर्शाया है। भक्तों के कल्याणार्थ श्री साईं बाबा ने स्वयं जिन वचनों से आश्वासन दिया था उनको नीचे उद्धृत किया जाता है। मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं उनके कल्याणार्थ मैं सदैव चिंतित रहता हूँ। कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही समझाया है, इसलिए भोजन तथा वस्त्र के लिए अधिक चिंता ना करो। यदि कुछ मांगने की
अभिलाषा है तो ईश्वर को ही मांगो। सांसारिक मान व उपाधियां त्याग कर ईश कृपा तथा अभयदान प्राप्त करो और उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो। सांसारिक साधनों से कुपथगामी मत बनो, अपने इष्ट को दृढ़ता से पकड़े रहो। समस्त इंद्रियों और मन को ईश्वर चिंतन में प्रवृत्त रखो, किसी पदार्थ से आकर्षित ना हो। सदैव मेरे स्मरण में मन को लगाए रखो ताकि वह देह संपत्ति व ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्त ना हो, तब चित्त स्थिर शांत व निर्भय हो जाएगा। इस प्रकार की मन स्थिति प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है कि वह सुसंगति में है। यदि चित्त की चंचलता नष्ट ना हुई तो उसे एकाग्र नहीं किया जा सकता। बाबा के उपयुक्त शब्दों को उद्धृत कर ग्रंथकार शिरडी के रामनवमी उत्सव का वर्णन करता है। शिरडी में मनाए जाने वाले उत्सवों में रामनवमी अधिक धूमधाम से मनाई जाती है, अतएव इस उत्सव का पूर्व विवरण जैसा कि साईलीला पत्रिका 1925 के पृष्ठ संख्या 197 पर प्रकाशित हुआ था, यहाँ संक्षेप में दिया जाता है। आइए प्रारंभ करते हैं। कॉपर गांव में श्री गोपाल राव गुंड नाम के एक इंस्पेक्टर थे। वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी 3 स्त्रियां थी, परंतु एक के भी संतान ना थी। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस हर्ष के उपलक्ष में सन 1897 में उन्हें विचार आया कि शिरडी में मेला अथवा उर्स भरवाना चाहिए। उन्होंने यह विचार शिरडी के अन्य भक्त तात्या पाटिल, दादा कोते पाटिल और माधव राव के समक्ष विचारार्थ प्रकट किया। उन सभी को यह विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ तथा उन्हें बाबा की भी स्वीकृति और आश्वासन प्राप्त हो गया। उर्स भरने के लिए सरकारी आज्ञा आवश्यक थी, इसलिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया, परंतु ग्राम कुलकर्णी यानी पटवारी के आपत्ति उठाने के कारण स्वीकृति प्राप्त ना हो सकी। परंतु बाबा का आश्वासन तो प्राप्त हो ही चुका था, अतः पुनः प्रयत्न करने पर स्वीकृति प्राप्त हो गई। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उर्स भरना निश्चित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ निष्कर्ष ध्यान में रखकर ही उन्होंने ऐसी आज्ञा दी थी, अर्थात उर्स व रामनवमी के उत्सवों का एकीकरण तथा हिंदू मुस्लिम एकता, जो भविष्य की घटनाओं से ही स्पष्ट है कि यह ध्येयपूर्ण सफल हुआ। प्रथम बाधा तो किसी प्रकार हल हुई, अब द्वितीय कठिनाई जल के अभाव की उपस्थित हुई। शिरडी तो एक छोटा सा ग्राम था और पूर्व काल से ही वहां जल का अभाव बना रहता था। गांव में केवल 2 कुएं थे, जिनमें से एक तो प्रायः सूख जाया करता था और दूसरे का पानी खारा था। बाबा ने उसमें फूल डालकर उसके सारे जल को मीठा बना दिया, लेकिन एक कुएं का जल कितने लोगों को पर्याप्त हो सकता था, इसलिए तात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का प्रबंध किया। लकड़ी व बांसों की कच्ची दुकानें बनाई गई तथा कुश्तियों का भी आयोजन किया गया। गोपाल राव गुंड के एक मित्र दामू अण्णा कासार अहमदनगर में रहते थे। वे भी संतानहीन होने के कारण दुखी थे। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। श्री गुंड ने उनसे एक ध्वज देने को कहा। एक ध्वज जागीरदार श्री नाना साहब निमोड़कर ने भी दिया। ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव में से निकाले गए और अंत में उन्हें मस्जिद, जिसे बाबा द्वारका माई के नाम से पुकारते थे, उसके कोनों पर फहरा दिया गया। यह कार्यक्रम अभी भी पूर्वव्रत ही चल रहा है। अब पढ़ते हैं चंदन समारोह। इस मेले में एक अन्य कार्यक्रम का भी श्री गणेश हुआ, जो चंदनोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। यह कोरहल के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर शक्कर दलाल के मस्तिष्क की सूझ थी। प्रायः इस प्रकार का उत्सव सिद्ध मुस्लिम संतों के सम्मान में ही किया जाता है। बहुत सा चंदन घिसकर और बहुत सी चंदन धूप थालियों में भरी जाती है तथा लोभान जलाते हैं और अंत में उन्हें मस्जिद में पहुँचाकर जुलूस समाप्त हो जाता है। थालियों का चंदन और धूप नीम पर और मस्जिद की दीवारों पर डाल दिया जाता है। इस उत्सव का प्रबंध प्रथम 3 वर्ष तक श्री अमीर शक्कर ने किया और उनके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने किया। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज व मुसलमानों के द्वारा चंदन का जुलूस
एक साथ चलने लगा और अभी तक उसी तरह चल रहा है। प्रबंध। रामनवमी का दिन श्री साईं बाबा के भक्तों को अत्यंत ही प्रिय और पवित्र है। कार्य करने के लिए बहुत से स्वयंसेवक तैयार हो जाते थे और वे मेले के प्रबंध में सक्रिय भाग लेते थे। बाहर के समस्त कार्यों का भार तात्या पाटिल और भीतर के कार्यों को श्री साईं बाबा की एक परम भक्त महिला राधा कृष्ण माई संभालती थी। इस अवसर पर उनका निवास स्थान अतिथियों से परिपूर्ण रहता और उन्हें सब लोगों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना पड़ता था। साथ ही वे मेले की समस्त आवश्यक वस्तुओं का भी प्रबंध करती थी। दूसरा कार्य जो वे स्वयं खुशी से किया करती वह था मस्जिद की सफाई करना, चूना पोतना आदि। मस्जिद की फर्श तथा दीवारें निरंतर धुनी जलने के कारण काली पड़ गई थी। जब रात्रि को बाबा चावड़ी में विश्राम करने जाते तब वे यह कार्य कर लिया करती थी। समस्त वस्तुएं धुनी सहित बाहर निकालनी पड़ती थी और सफाई व पुताई हो जाने के पश्चात पूर्वव्रत सजा दी जाती थी। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना भी इस कार्यक्रम का एक अंग था। इस कार्य के लिए वृद्ध भोज का आयोजन किया जाता था और अनेक प्रकार की मिठाइयां बनाई जाती थी। यह सब कार्य राधा कृष्ण माई के निवास स्थान पर ही होता था। बहुत से धनाढ्य व श्रीमंत भक्त इस कार्य में आर्थिक सहायता पहुंचाते थे। अब पढ़ते हैं उर्स का रामनवमी के त्यौहार में समन्वय। सब कार्यक्रम इसी तरह उत्तम प्रकार से चलता रहा और मेले का महत्व स्नेह ने बढ़ता ही गया। सन 1911 में एक परिवर्तन हुआ। एक भक्त कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म, जो श्री साईं सगुणोपासना के लेखक थे, अमरावती के दादा साहेब खारपड़े के साथ मेले के एक दिन पूर्व शिरडी के दीक्षित वाड़े में ठहरे। जब वे दालान में लेटे हुए विश्राम कर रहे थे तब उन्हें एक कल्पना सूझी। इसी समय श्री लक्ष्मण राव उपनाम काका महाजनी पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। उन दोनों में विचार विनिमय होने लगा और उन्होंने सोचा कि शिरडी में उर्स व मेला ठीक रामनवमी के दिन ही भरता है, इसमें अवश्य ही कोई गूढ़ रहस्य निहित है। रामनवमी का दिन हिंदुओं को बहुत ही प्रिय है। कितना अच्छा हो यदि रामनवमी उत्सव अर्थात श्री राम का जन्म दिवस का भी श्री गणेश कर दिया जाए। काका महाजनी को यह विचार रुचिकर प्रतीत हुआ। अब मुख्य कठिनाई हरिदास के मिलने की थी, जो इस शुभ अवसर पर कीर्तन व ईश्वर गुणानुवाद कर सके। परंतु भीष्म ने इस समस्या को हल कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा स्वरचित राम आख्यान, जिसमें राम जन्म का वर्णन है, तैयार हो चुका है। मैं उसका ही कीर्तन करूंगा और तुम हारमोनियम पर साथ करना तथा राधा कृष्ण माई सूंठ वड़ा, सूंठ का शक्कर मिश्रित चूर्ण तैयार कर देंगी। तब वे दोनों शीघ्र ही बाबा की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मस्जिद को गए। बाबा तो अंतर्यामी थे, उन्हें तो सब ज्ञान था कि वाड़े में क्या क्या हो रहा है। बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया वहाँ क्या चल रहा था। इस आकस्मिक प्रश्न से महाजनी घबरा गए और बाबा के शब्दों का अभिप्राय ना समझ सकने के कारण वे स्तब्ध होकर खड़े रह गए। तब बाबा ने भीष्म से पूछा कि क्या बात है। भीष्म ने रामनवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया तथा स्वीकृति देने की प्रार्थना की। बाबा ने भी सहर्ष अनुमति दे दी। सभी भक्त हर्षित हुए और राम जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां करने लगे। दूसरे दिन रंग बिरंगी झंडियों से मस्जिद सजा दी गई। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक पालना लाकर बाबा के आसन के समक्ष रख दिया और फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन करने को खड़े हो गए और महाजनी हारमोनियम पर उनका साथ करने लगे। तभी बाबा ने महाजनी को बुलवा भेजा। यहाँ महाजनी शंकित थे कि बाबा उत्सव मनाने की आज्ञा देंगे भी या नहीं। परंतु जब वे बाबा के समीप पहुँचे तो बाबा ने उनसे प्रश्न किया, यह सब क्या है, यह पालना क्यों रखा गया है। महाजनी ने बतलाया कि रामनवमी कार्यक्रम का प्रारंभ हो गया है और इसी कारण यह पालना यहाँ रखा गया है। बाबा ने निम्बर पर से दो हार उठाए और उनमें से एक हार तो उन्होंने
काका जी के गले में डाल दिया तथा दूसरा भीष्म के लिए भेज दिया। अब कीर्तन प्रारंभ हो गया था। कीर्तन समाप्त हुआ तब श्री राजा राम की उच्च स्वर से जय जयकार हुई। कीर्तन के स्थान पर गुलाल की वर्षा की गई। जब हर कोई प्रसन्नता से झूम रहा था तब अचानक ही एक गरजती हुई ध्वनि उनके कानों पर पड़ी। वस्तुतः जिस समय गुलाल की वर्षा हो रही थी तो उसके कुछ कण अनायास ही बाबा की आंख में चले गए। तब बाबा एकदम क्रुद्ध होकर उच्च स्वर में अपशब्द कहने में कोसने लगे। यह दृश्य देखकर सब लोग भयभीत होकर सिटपिटाने लगे। बाबा के स्वभाव से भली भांति परिचित अंतरंग भक्त भला इन अपशब्दों का कब बुरा मानने वाले थे। बाबा के इन शब्दों तथा वाक्यों को उन्होंने आशीर्वाद समझा। उन्होंने सोचा कि आज राम का जन्मदिन है, अतः रावण का नाश, अहंकार एवं दुष्ट प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के संहार के लिए बाबा को क्रोध उत्पन्न होना सर्वथा उचित ही है। इसके साथ साथ उन्हें यह विदित था कि जब कभी भी शिरडी में कोई नवीन कार्यक्रम रचा जाता था तब बाबा इसी प्रकार कुपित हो जाया करते थे, इसीलिए वे सब स्तब्ध ही रहे। इधर राधा कृष्ण माई भी भयभीत थी कि कहीं बाबा पालना ना तोड़ फोड़ डालें, इसलिए उन्होंने काका महाजनी से पालना हटाने को कहा, परंतु बाबा ने ऐसा करने से उन्हें रोका। कुछ समय पश्चात बाबा शांत हो गए और उस दिन की महापूजा और आरती का कार्यक्रम निर्विघ्न समाप्त हो गया। उसके बाद काका महाजनी ने बाबा से पालना उतारने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने अस्वीकृत करते हुए कहा कि अभी उत्सव संपूर्ण नहीं हुआ है। अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाया गया, जिसके पश्चात बाबा ने पालना उतारने की आज्ञा दे दी। उत्सव में दही मिश्रित पोहा एक मिट्टी के बर्तन में लटका दिया जाता है और कीर्तन समाप्त होने पर वह बर्तन फोड़ दिया जाता है और प्रसाद के रूप में वह पोहा सबको वितरित कर दिया जाता है, जिस प्रकार की श्री कृष्ण ने ग्वालों के साथ किया था। रामनवमी उत्सव इसी तरह दिन भर चलता रहा। दिन के समय दो ध्वजों का जुलूस और रात्रि के समय चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ निकाला गया। इस समय के पश्चात ही उस रामनवमी के उत्सव में परिवर्तित हो गया। अगले वर्ष सन 1912 से रामनवमी के कार्यक्रमों की सूची में वृद्धि होने लगी। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने चैत्र की प्रतिपदा से नाम सप्ताह प्रारंभ कर दिया। लगातार दिन रात 7 दिन तक भगवत नाम लेना नाम सप्ताह कहलाता है। सब भक्त इसमें बारी बारी से भाग लेते थे, वे भी प्रातःकाल सम्मिलित हो जाया करती थी। देश के सभी भागों में रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है, इसलिए अगले वर्ष हरिदास के मिलने की कठिनाई पुनः उपस्थित हुई, परंतु उत्सव के पूर्व ही यह समस्या हल हो गई। 5-6 दिन पूर्व श्री महाजनी की बाला बुआ से अकस्मात भेंट हो गई। बुआ साहेब आधुनिक तुकाराम के नाम से प्रसिद्ध थे और इस वर्ष कीर्तन का कार्य उन्हें ही सौंपा गया। अगले वर्ष सन 1913 में श्री हरिदास सतारा जिले के बाला बुआ सतारकर वृहद सिद्ध कवटे ग्राम में प्लेग का प्रयोग होने के कारण अपने गांव में हरिदास का कार्य नहीं कर सकते थे। इस वर्ष वे शिरडी में आए। काका साहेब दीक्षित ने उन्हें कीर्तन के लिए बाबा से अनुमति प्राप्त की। बाबा ने भी उन्हें यथेष्ट पुरस्कार दिया। सन 1914 से हरिदास की कठिनाई बाबा ने सदैव के लिए हल कर दी। उन्होंने यह कार्य स्थायी रूप से दास गुरु महाराज को सौंप दिया। तब से वे इस कार्य को उत्तम रीति से सफलता और विद्वतापूर्वक पूर्ण लगन से निभाते रहे। सन 1912 से उत्सव के अवसर पर लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। चैत्र शुक्ल अष्टमी से द्वादशी तक शिरडी में लोगों की संख्या में इतनी अधिक वृद्धि हो जाया करती थी मानो मधुमक्खी का छत्ता ही लगा हो। दुकानों की संख्या में वृद्धि हो गई। प्रसिद्ध पहलवानों की कुश्तियाँ होने लगी। गरीबों को वृद्ध स्तर पर भोजन कराया जाने लगा। राधा कृष्ण माई के घोर परिश्रम के फलस्वरूप शिरडी को संस्थान का रूप मिला। संपत्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक सुंदर घोड़ा, पालकी, रथ और चांदी के अन्य पदार्थ, बर्तन, पात्र, शीशे इत्यादि भक्तों ने उपहार में भेंट किए।
उत्सव के अवसर पर हाथी भी बुलाया जाता था। यद्यपि संपत्ति बहुत बड़ी, परंतु बाबा उन सब से सदा निरपेक्ष ही रहते थे। वे सदैव उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते और सदैव की भांति ही साधारण वेशभूषा धारण करते थे। यह ध्यान देने योग्य है कि जुलूस तथा उत्सव में हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ साथ कार्य करते थे, परंतु आज तक ना उनमें कोई विवाद हुआ और ना कोई मतभेद ही। पहले पहल तो लोगों की संख्या 5,000 से 7,000 के लगभग ही होती थी, परंतु किसी किसी वर्ष तो यह संख्या 75,000 तक पहुंच जाती थी। फिर भी ना कभी कोई बीमारी फैली और ना ही कोई दंगा हुआ। मस्जिद का जीर्णोद्वार, जिस प्रकार उर्स या मेला भराने का विचार प्रथमतः श्री गोपाल गुंड को आया था, उसी प्रकार मस्जिद के जीर्णोद्वार का विचार भी प्रथमतः उन्हें ही आया। उन्हें इस कार्य के निमित्त पत्थर एकत्रित कर उन्हें वर्गाकार करवाया, परंतु इस कार्य का श्रेय उन्हें प्राप्त नहीं होना था। वह सुयश तो नाना साहब चांदोरकर के लिए ही सुरक्षित था और फर्श का कार्य काका साहेब दीक्षित के लिए। प्रारंभ में बाबा ने कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं दी, परंतु स्थानीय भक्त महालसापति के आग्रह करने से बाबा की स्वीकृति प्राप्त हो गई और एक रात में ही मस्जिद का पूरा फर्श बन गया। अभी तक बाबा एक टांट के टुकड़े पर ही बैठते थे, अब उस टांट के टुकड़े को वहां से हटाकर उसके स्थान पर एक छोटी सी गादी बिछा दी गई। सन 1911 में सभा मंडप भी घोर परिश्रम के उपरांत ठीक हो गया। मस्जिद का आंगन बहुत छोटा तथा असुविधाजनक था। काका साहेब दीक्षित आंगन को बढ़ाकर उसके ऊपर छप्पर बनवाना चाहते थे। यथेष्ट द्रव्य राशि व्यय कर उन्होंने लोहे के खंभे, बल्लियां व कैंचियां मोल ली और कार्य भी प्रारंभ हो गया। दिन रात परिश्रम कर भक्तों ने लोहे के खंभे जमीन में गाड़े। जब दूसरे दिन बाबा चावड़ी से लौटे, उन्होंने उन खंभों को उखाड़कर फेंक दिया और अति क्रोधित हो गए। वे एक हाथ से खंभा पकड़कर उसे उखाड़ने लगे और दूसरे हाथ से उन्होंने तात्या का साफा उतार लिया और उसमें आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। बाबा के नेत्र जलते हुए अंगारे के सदृश लाल हो गए। किसी को भी उनकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं होता था। सभी बुरी तरह भयभीत होकर विचलित होने लगे कि अब क्या होगा। भागोजी शिंदे, बाबा के कोड़ी भक्त, कुछ साहस कर आगे बढ़े, पर बाबा ने उन्हें धक्का देकर पीछे ढकेल दिया। माधवराव को की भी यही गति हुई। बाबा उनके ऊपर भी ईंट के ढेले फेंकने लगे। जो भी उन्हें शांत करने गया उसकी वही दशा हुई। कुछ समय के पश्चात क्रोध शांत होने पर बाबा ने एक दुकानदार को बुलाया और एक जरीदार फेटा खरीद कर अपने हाथों से उसे तात्या के सिर पर बांधने लगे, जैसे उन्हें विशेष सम्मान दिया गया हो। यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को आश्चर्य हुआ। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस अज्ञात कारण से बाबा इतने क्रोधित हुए। उन्होंने तात्या को क्यों पीटा और तत्क्षण ही उनका क्रोध क्यों शांत हो गया। बाबा कभी कभी अति गंभीर तथा शांत मुद्रा में रहते थे और बड़े प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे, परंतु अनायास ही किसी गोचर के कारण वे क्रोधित हो जा करते थे। ऐसी अनेक घटनाएं देखने में आ चुकी हैं, परंतु मैं इसका निर्णय कर सकता कि उनमें से कौन सी लिखूं और कौन सी छोड़ूं। अतः जिस क्रम से वे याद आती जाएंगी उसी प्रकार उनका वर्णन किया जाएगा। अगले अध्याय में बाबा यवन है या हिंदू, इसका विवेचन किया जाएगा तथा उनके योग साधन, शक्ति और अन्य विषयों पर भी विचार किया जाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणमस्तु। शुभम भवतु सप्ताह परायण प्रथम विश्राम। ओम साई राम।